जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा के छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में किसानों का फर्जी हस्ताक्षर कर राशि हड़पने के मामले में पुलिस ने बैंक के कैशियर समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोपियों की अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है। दरअसल पंतोरा के छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में वर्ष 2015-2016 में किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों के फर्जी हस्ताक्षर से राशि आहरण कर शिकायत कर किसानों से मिली थी। वहीं गांव में हरीश और प्रशांत नाम के दो शख्स द्वारा मुद्दा लोन दिलाने का था। वहीं किसानों के कोरे फॉर्म पर हस्ताक्षर ले लिए गए। इसके बाद कैशियर द्वारा हस्ताक्षर का गलत उपयोग कर किसानों के खाते से राशि आहरण कर लेने से शिकायत मिली है। वहीं शिकायत के बाद 2017 में कैशियर निलंबित कर दिया गया था। मामले में जांच जारी थी। जांच में 1.5 दर्जन से अधिक किसानों के फर्जी हस्ताक्षर से राशि आहरण करने की शिकायत सही पाई गई। बैंक के शाखा प्रबंधक नारायण पटेल की रिपोर्ट पर पंतोरा उप थाना में आरोपी कैशियर ऐश्वर्य कुमार, हरीश और प्रशांत के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और किसानों के फर्जी हस्ताक्षर से 27,000 की राशि आहरित कर गड़बड़ी करने की बात सामने आई है। मामले में अभी भी जांच जारी है। ये पंतोरा चौकी का मामला है जिसमें पंतोरा के छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक इसके शाखा प्रबंधक नारायण पाटले के द्वारा थाने में ये शिकायत दी गई थी कि किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों के फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक का जो कैशियर है ऐश्वर्य कुमार उसके द्वारा फर्जी तरीके से राशि आहरण कर 47,000 रुपये की गड़बड़ी उसके द्वारा की गई थी। इस शिकायत की जांच पर से आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 34 आईपीसी, क्योंकि इसमें दो एजेंट हरीश और प्रशांत भी शामिल हैं, इन तीनों के खिलाफ इन धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें आरोपियों की पतासाजी अभी जारी है।